क्वेश्चन नंबर थ्री है, इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एंड आर इक्वल टू फाइव व्हेन टी इक्वल टू एट, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, आल्सो फाइंड आर व्हेन टी 64 एंड टी व्हेन आर इक्वल टू 20। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन और टू की तरह ये हमने सॉल्व करना है, और इसकी तीनों इक्वेशंस को जो है ना हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू को सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन। अब हमें कैपिटल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल टी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी ख़त्म करते हैं इक्वल का साइन लगाते हैं, और साथ में के कांस्टेंट और टी, ठीक है। अब देखें आर की वैल्यू हमें दी हुई है 5, और के हम फाइंड करेंगे ये वैल्यू पुट करिए, और टी की वैल्यू दी हुई है हमें 8। अब यहाँ से जो 8 है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू बन गई 5/8। के आ गया 5/8 आ गई हमारी के की वैल्यू, ठीक हो गया। अब हमने ये वाली के की वैल्यू इस के की जगह पुट कर देती हैं, इसको क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे देंगे, उसको रखेंगे पुट इन क्वेश्चन नंबर वन। ये के की वैल्यू हमने इधर जाके पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू के टी था, तो के की जगह 5/8 लग जाएगा, और साथ में कैपिटल टी आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन गई टू, तो ये हमारा निकल आया क्वेश्चन आर और टी में जो कनेक्शन हमने करना था ना वो निकल आया, आर और टी में क्वेश्चन बन गई है। अब हमने फाइंड आर करना है जी, आर फाइंड करना है, टी 64 है, तो ये क्वेश्चन नंबर टू को लेंगे, आर इक्वल टू 5/8, और टी की जगह अब ये वाला 64 जो दिया हुआ है वो वैल्यू लगा देंगे जी। 8 को 64 से कैंसिल करते हैं, 8 ones are 8, 8 8s are 64, तो 5 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5 8s are 40। तो ये इसका पार्ट सॉल्व हुआ। अब दूसरी हमने क्या फाइंड करना है जी, अब हमें टी फाइंड करना है जब आर जो है हमें 20 दिया हुआ, अब टी फाइंड करना है और आर की वैल्यू दी हुई है 20, तो फिर क्वेश्चन नंबर टू ये वाली जो थी इसको लेना है, आर इक्वल टू 5/8 टी, जो टी फाइंड करना है आर की जगह इधर 20 लगा देंगे 5/8, और टी हमने फाइंड करना है। अब देखें ये 8 डिवाइड हो रहा है 20 के साथ, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ गया सिर्फ टी, तो टी हमने फाइंड करना, 5 को 20 से काट दें 5 ones are 5 4s are 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 8s are 32, ये टी की वैल्यू आ गई। ये हमारा टी का आंसर आ गया।